प्रधान श्री उमेंद्र यादव ने चौधरी देवी सिंह महाविद्यालय में चीनी व डाल्टा वितरण करवाया और उन्होंने यह भी बताया कि यह कार्यक्रम वे लगभग 6 साल से करते आ रहे हैं और जब तक सक्षम रहेंगे तब तक इसी तरीके से हर साल वितरण करवाते रहेंगे और उनका कहना है कि लगभग 400 लोगों को आज ये सामग्री वितरण करवाई गई है। गुरुजी, आज का जो प्रोग्राम है ये वितरण किया जा रहा है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा जी। और जहाँ तक इस कार्यक्रम की बात है, ये कार्यक्रम बहुत वर्षों से यहाँ पे आयोजित किया जाता है। हर त्योहारों पे यहाँ चीनी और डालडा आदि का वितरण होता है ताकि वो जो गरीब लोग हैं उनके घर में भी दीपावली बड़े आनंद से और खुशी खुशी मनाई जा सके। ये चौधरी देव सिंह महाविद्यालय अंजनी में प्रधान जी श्री ओमेंद्र यादव की तरफ से होता रहा है और मैं ऐसी कामनाएं करता हूं कि ये जब तक वो हैं तब तक ये कार्यक्रम चलता ही रहेगा और इसी प्रकार धर्म में उनकी रुचि बनी रहेगी। उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि वंचित लोग, विशेष तौर पर अब जो कोरोना काल में दैवीय आपदा से जो लोगों में बहुत अभाव हो गया है, उस अभाव काल में कोई भी त्यौहार पे किसी प्रकार की खुशी से वंचित ना रहे, इसलिए विशेष तौर पे ये कार्यक्रम बहुत ही मान्यता रखता है और मेरी शुभकामनाएं सबके लिए हैं। मकर संक्रांति पे भी यहाँ कार्यक्रम होता है, जब पूरे क्षेत्र के जितने संत महात्मा या फिर वंचित लोग जो गरीब लोग हैं उनको कंबल और भोजन वितरण किया जाता है। धर्म का कोई भी अवसर हो, ये कभी किसी अवसर को छूटते नहीं है और इनकी रुचि इसी प्रकार धर्म में लगी रहे, ऐसी शुभकामनाएं मेरी हैं। प्रधान जी, आज का जो प्रोग्राम ये चलाया है तो इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? क्या क्या यहाँ वितरण किया गया है आज और लगभग कितने लोगों का आपका एक उद्देश्य था, कितने लोगों को आप वितरण करेंगे आज के लिए? लगभग 350-400 लोगों को चीनी और डालडा वितरण किया गया है। हमारी अंजनी अड़ुपुर ग्रामपुर पंचायत के जितने भी हमारे मतदाता भाई बंधु जितने हैं उन्हें सारे लोगों को जितने यहाँ आए सबको वितरण किया गया चीनी और डालडा। ये कब से आप ये वितरण करवा रहे हैं? पहली बार करवाया या फिर इससे पहले भी आपके यहाँ पर हो चुका? लगभग 6 वर्ष से ये कार्यक्रम स्टार्ट है, 6 वर्ष से चलता है और जब तक मैं सक्षम हूँ तब तक ये चलता रहेगा इसी तरीके से जी, और आगे बढ़ता ही चला जाएगा क्रम में। तो इस वितरण का उद्देश्य क्या आप मानते हैं कि आप वितरण करवा रहे, क्या उद्देश्य है इस वितरण का? उद्देश्य ये है कि इस दीपावली के शुभ अवसर पर कोई भाई बहन और हमारी पंचायत के जितने भी लोग हैं किसी के घर में ऐसा ना हो जिसकी दीपावली के मिठास ना हो, सबकी दीपावली में मिठास भूले, बस मेरा मेन उद्देश्य यही है।